द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ता खुले में सहवास करता है, लेकिन क्या यह बात सत्य है या फिर एक झूठ है? इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको द्रौपदी की कहानी के माध्यम से पिछले वीडियो में बताया था, परंतु कुछ लोगों ने पूरी वीडियो ना देखने के कारण बहुत ही गलत धारणाएं बना ली थीं और कमेंट बॉक्स में गलत गलत कमेंट किए थे। तो हम आशा करते हैं कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। कहा जाता है यह कहानी महाभारत काल की है, जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को घर लाए थे। तब माता कुंती अपने किसी काम में व्यस्त होने के कारण बिना देखे पांडवों को यह आदेश दे दिया था कि सभी भाइयों का इस पर बराबर का हक है। तब माता कुंती की बात का मान रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया था। तब पांडवों में यह निर्धारित हुआ था कि द्रौपदी एक वर्ष में एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी, और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही होगी तब दूसरा पांडव उस कक्ष में नहीं आएगा। फिर जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तब अपनी पादुका बाहर द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि कोई दूसरा पांडव वह पादुकाएं देखकर कक्ष में प्रवेश ना करे। परंतु एक बार अर्जुन अपनी पादुकाएं बाहर उतार कर द्रौपदी संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी एक कुत्ता आया और खेल खेल में अर्जुन की पादुकाओं को उठाकर पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुका नहीं रखी है और वह द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी शर्मिंदा हुई और बहुत ही क्रोधित होते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा, तुमने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन बाहर प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतार कर आए थे। इस पर भीम ने द्रौपदी से कहा कि कोई भी पादुका प्रवेश द्वार पर नहीं रखी थी। तब दोनों भाई कक्ष के बाहर निकले और पादुका को खोजना शुरू कर दिया। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई पास के जंगल में पहुंचे, तभी उन्होंने देखा एक कुत्ता पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी बहुत लज्जित महसूस कर रही थी क्योंकि उन्हें भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तब गुस्से में आकर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास करने का श्राप दिया था, और यह लोक कथा आज बहुत प्रचलित है, परंतु इसकी सत्यता का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता क्योंकि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। फिर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास करने का श्राप दिया होगा, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और आप भी ऐसी किसी भी कहानी पर विश्वास ना करें। आशा करते हैं कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे।